कई विवादों के बाद केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई, जिसे देखने की बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग थिएटर पहुंच रहे हैं। इस फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश में भी विवाद की स्थिति बनी हुई है, और इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज ने पिक्चर को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसके चलते भोपाल की भारत टॉकीज में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मूवी देखने पहुंचे, जहां उनका कहना है कि इस मूवी को देखने से हमारे समाज में सुधार, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामले रुकेंगे। आखिरकार तमाम विवादों के बाद द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है और आप यहां पर देख रहे हैं कि ये राजधानी भोपाल की भारत टॉकीज है, ये भारत टॉकीज परिसर है। यहां पर तमाम हिंदू संगठन के लोग यहां पर खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये विशेष तौर से कहा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पिक्चर को टैक्स फ्री भी कर दिया है, और टैक्स फ्री के बाद जो तमाम हिंदू संगठन है वो मांग भी कर रहे थे, साथ ही जो द केरला स्टोरी है उसको लेकर के विवाद भी खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जो पिक्चर है वो रिलीज हो चुकी है, कुछ लोग यहाँ पर हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जो द केरला स्टोरी है इसको लेकर के विवाद हो रहा था, आखिर ऐसे वो कौन से सीन है इस पिक्चर में जिसको लेकर के पूरा विवाद किया जा रहा? जो भी विवाद कर रहा है मुझे लगता है वो उसने ये मूवी नहीं देखी होगी। द केरल केरला में एक सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी है। लगातार अन्य धर्म के लोग हमारी बहन बेटियों को नाम बदलकर, टीका लगाकर, कलावा पहनकर धर्मांतरण करते हैं। इसके निमित्त यह द केरला मूवी बनी है। हमने यहाँ पर सैकड़ों बहनों के साथ उपस्थित होकर, हिंदू शेरनियों के साथ भगवा पगड़ी पहनकर यहाँ उपस्थित होकर द केरला मूवी देखी है, और इन निश्चित रूप से इस मूवी से हमारी बहनों को सीखने को मिलेगा, और जब ये फ्रेंड सर्कल में जाएंगी, अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस में जाएंगी, तो उनको बताएंगी कि द केरल मूवी में क्या था, वो धर्मांतरण का कैसे साजिश रचते हैं और कैसे धर्मांतरण होता है। चलिए कुछ युक्तियां हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोगों ने भी इस मूवी को देखा हुआ है, क्या समझ में आया है? अभी तो देखा नहीं है, हमने इस मूवी को आज देखने आए हैं, पर देखने समझने से ये लगता है कि ये मूवी बहुत जरूरी है देखना, और बहन बेटियों को इससे कुछ प्रेरित होगा, कुछ सीख मिलेगी। जो आजकल धर्मांतरण का, लफ्ज याद का माहौल चल रहा है अपने देश में, तो उससे ये मूवी देखने के बाद उनको शायद हो सकता है कुछ सीख मिल जाए कि आजकल माहौल चल रहा, तो हमें सही राह पे चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू की तरह ही रहना चाहिए, हिंदू बहनों से ही दोस्ती, हिंदू उसमें ही रहना चाहिए, लफ्ज याद के फासले में ना पड़े, वरना 35 टुकड़ों में ही मिली जाएंगी वो सूटकेसों में। बिल्कुल, इनका कहना है कि इस मूवी से कुछ सीख मिलेगी, आप क्या सीख मिलना है? हम ये मतलब चाहते हैं कि हमारी हिंदू बेटियां 35 टुकड़ों में ना बांटी जाए, हमारी बहन बेटियां किसी सूटकेस में नहीं मिली जाए। हम बिल्कुल, इनका कहना है कि हमारी हिंदू बेटियां 35 टुकड़ों में यानी सूटकेस में नहीं मिलना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो द केरला स्टोरी है इसमें विशेष तौर से धर्मांतरण भी बताया गया है, साथ ही जो लव जिहाद है उसका भी कुछ इशू आया हुआ है। हालांकि जो भी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पिक्चर को टैक्स फ्री कर दिया है मध्य प्रदेश में। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ जीएस ठाकुर, टीवी 24 भोपाल।